लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10 बजने के बाद सोलापुर शहर में छाई है खामोशी। जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी है सोलापुर शहर के बीजापुर बेस परिसर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, दुकानदारों से ये आह्वान करते आपको नजर आ रहे हैं, अपील करते नजर आ रहे हैं कि अपनी अपनी दुकानें बंद करें। जी हाँ, सोलापुर पुलिस आयुक्त एम राजकुमार ने आदेश दिया है कि शहर में 10 बजने के बाद पूरी दुकानें बंद होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जश्न ईद मिलादुन्नबी यानी पैगंबर जयंती और गणेश विसर्जन का त्योहार एक साथ आने की वजह से सोलापुर शहर में दो धर्मों के बीच कोई दूरियां पैदा ना हो, दो धर्मों के बीच तेढ़ निर्माण ना हो, इसीलिए खास पुलिस आयुक्त एम राजकुमार ये नजर रखे हुए हैं, और इसीलिए वो दुकानदारों से, नागरिकों से ये अपील कर रहे हैं कि सोलापुर में आप अपनी दुकानें 10 बजे बंद करें। अधिकारी कर्मचारी पुलिस प्रशासन के 10 बजने के बाद शहर के चौराहों पर, बाजारों में घूम कर, दौरा कर दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी दुकानें बंद करें, और खास तौर पर जो युवक बिना वजह कोई कारण ना होते हुए, जैसे हॉस्पिटल का ही कारण हो सकता है, ऐसे जो भी कारण है, लेकिन कारण ना होते हुए बिना वजह जो युवक बाइक लेकर शहर में फिरते हैं, उस पर भी पुलिस प्रशासन की खास नजर है। ऐसे कई युवकों की गाड़ियां जब्त की जा रही है, टेबल सीट, पेपर ना होने के कारण मोबाइल टॉकिंग करते हुए, और खास करके बिना वजह बिना कारण फिरने वाले युवकों को पुलिस हिरासत में लेकर, उनकी गाड़ियां हिरासत में लेकर उन पर कार्रवाई कर रही है। आइए देखते हैं सोलापुर बीजापुर बेस इलाके का ये वीडियो। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैं नितिन नजाब कैमरामैन के साथ सोलापुर। नाही बरोबर आहे, कसं आहे Thank you.
बने हुए हैं।